आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है, बेखौफ समुंदर की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेला, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवालकर। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, mera naam hai Pearl Kolwalkar. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. पर्ल ने इतने कम टाइम में जो अचीव किया वो बहुत मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए, और अभी वो नॉर्मल कैटेगरी में सेलर्स के साथ पार्टिसिपेट करती है, जो ओलंपियन है उनके साथ पार्टिसिपेट करती है। When Pearl received the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar at the hands of the Honorable President of India, it was an absolutely amazing moment. We couldn't believe that it's our little Pearl who's walking up to the stage at the Rashtrapati Bhavan. We had tears in our eyes watching this moment. Representing India abroad for different events and championships or even in the Olympics is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India and I really want to win a gold for my country. Hi, Pearl. Hey. So good to meet you. आइए बैठिए आप। एक काम करते हैं, मैं भी अभी आपके साथ ही बैठता हूँ। अब ये स्किफ सेलिंग क्या होता है, लेजर सेलिंग क्या होता है, ये सब भाई मुझे नहीं मालूम है। तो हम ABCD से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो आपको जो तस्वीरें आएंगी आप सबको समझाइए और बताइए। This is basically boat sailing, windsurfing. इसका एक बोर्ड रहता है और हम खड़े होके सेल को कंट्रोल करते हैं, और जैसे हम सेल को पोजीशन करते हैं विंड के हिसाब से, उसी हिसाब से हमारी बोट की स्पीड चलती है। जो बोर्ड मैं चला रही हूँ वो 13 किलोस का है। और वो जो सेल है कितना बड़ा होता है? मेरा सेल 7.8 स्क्वायर मीटर्स का है। इतना बड़ा? हाँ। तो अब ये स्किफ सेलिंग क्या है? स्किफ सेलिंग ये एक बहुत फास्ट बोट होती है। इसमें तीन सेल्स होते हैं, एक होता है मेन सेल, जिप सेल और एक जेनेका। हाँ। और वो जेनेका जो होता है वो मेन सेल से भी और जिप सेल से भी बहुत बड़ा होता है। एक स्किफ सेल जो ये जो बोट है इसको हाँ। कितने लोग चलाते हैं? इट्स अ डबल हैंडलर। तो आप कौन सा वाला सेल? आई एम द स्किपर, द वन हु कंट्रोल्स द बोट मेन। ये तो स्किफ सेलिंग हुआ। हाँ। अब ये क्या है बताइए? ये एक डिंगी है, एक राउंड बोट है, राउंड बॉटम है उसका। ये इजी लगता है लेकिन इतना नहीं है, ये बहुत कैप्साइज होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सेलिंग की बात कहाँ से आई? गोवा में एक छोटा सा कैंप था 5 दिन का, तो वो विंड सर्फिंग का था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द सी, और तब मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी और मैं बस ऐसे ही गई थी, समर कैंप है करके। मैं पानी में जाने के लिए बहुत डर रही थी, तो मुझे धक्का मार के मुझे पानी में डाल दिया। हाँ। लेकिन जाने के बाद थोड़ा लगा कि इतना भी डरावना नहीं है। फिर मैं बोट के ऊपर चढ़ गई। हाँ। और सेल उठाया, पता नहीं कैसे लेकिन मुझे बैलेंसिंग आने लगी बोट के ऊपर पहले दिन ही, और मैं एक राउंड मार के आ गई विंडसर्फ के साथ। आप मुझे ये बताइए कि आपने कंपटीशन के बारे में कब सोचा? फर्स्ट मेरा कंपटीशन था विंडसर्फिंग में, वो स्टेट चैंपियनशिप था और इसमें मुझे सिल्वर मिला। ये कब आपने किया स्टेट चैंपियनशिप? 10 साल की थी तब मैं। फिर 11 साल की उम्र में मैं नेवी के एक कैंप में ऐसी आई जस्ट स्टंबल्ड अपॉन अ कैंप, और वो सेलिंग का कैंप था, तो तब से मैं सेलिंग में घुसी हुई हूँ। तब से आप सेलिंग में घुसी हुई हैं। हाँ। और उसमें आप नेशनल चैंपियन भी बन गई। हाँ। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड भी मिल गया। चलिए कुछ तस्वीरें देखें आपकी, आप मुझे बताती रहिए। वेलकम, सिट नेक्स्ट टू यू एंड टॉक मी थ्रू दीज पिक्चर्स। ये क्या क्या पिक्चर्स हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी के साथ था, हम पीएम हाउस में थे तो उन्होंने हमारा सत्कार किया था। अच्छा, अगली तस्वीर देखते हैं। ये तो नेत्रा कमलन, करंट ओलंपियन के साथ था, इसी सितंबर में उन्होंने गोल्ड लिया था और मैंने सिल्वर, तो उनके साथ सेल करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे, उनको देखकर।
एक्सपीरियंस है ना बहुत। हाँ, और मैं वापस वहाँ आता हूँ, फिर नीत्रा जी के बारे में बात करते हैं। आप मुझे विस्तार से बताइए, नीत्रा जी से आपने क्या सीखा? उनका जो सेलिंग का टेक्निक है वो बहुत अच्छा है, उनको देखकर बहुत नई चीजें सीखने को मिली। डर नहीं लगा कि इतनी नेशनल लेवल की खिलाड़ी है, ओलम्पिक्स में जा रही है? पानी में जब हम जाते हैं तब हम बाकी बोट्स को बस बोट्स की तरह देखते हैं, हम ऐसे नहीं देखते कि कौन है, ये है, वो है। एक बार पानी में उतर गए तो सब सब बराबर। हाँ। पर आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहती हैं? मुझे लेजर करना। तो आपको लगता है एक दिन आप नीत्रा को हरा देंगी? बहुत कोशिश करूंगी। बहुत कोशिश करेंगी। हाँ। ठीक है, एक और व्यक्ति है जिन्होंने बहुत कोशिश की और कोशिश ऐसी की कि मेडल पे मेडल तो लाए ही, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी लाए हैं। मिलेगी आप उनसे? हाँ। प्लीज वेलकम 2020 और 2021 लगातार दो साल रेसलिंग के लिए एशिया चैंपियनशिप में इंडिया को गोल्ड जिताने वाले, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाने वाले, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के रवि दाहिया। थैंक यू, आइए बैठिए। तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर, और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट यू? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुंदर में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। कैसा लग रहा है आपको ऐसी इतनी छोटी सी एक यंग जीनियस से मिलकर? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 15 साल की उम्र में एक ऐसा गोल बना लिया कि देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेडल नहीं, देश के लिए गोल्ड जीतो, क्योंकि आप अभी से गोल्ड का टारगेट बनाओगे जब भी आप गोल्ड जीत सकते हो। यस सर। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो और दोनों उसमें पेरिस भी लेने मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। यस सर। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाए। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन है वो सबसे जरूरी है, और एक रिस्पेक्ट है ना सबकी, बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए, और एक आपका गोल है ना उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी, मैं ये कर सकता था और मैंने ये नहीं किया, इसलिए शायद रह गया। तो शायद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, अगर आप सच्चे हो और सच्चे दिल से करोगे तो परमात्मा आपका बहुत ही ज्यादा साथ देगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे रवि से? ओलंपिक्स की तैयारी जब आप कर रहे थे तब आपने बहुत मेहनत लगाई होगी, बहुत डिसिप्लिन हुआ हो। पता क्या होता, मैं मेरा मानना ये कि एक ना आप अगर सच्चे दिल से ठीक ठाक करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ज्यादा जरूरी कुछ है, और जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, चाहे आप कुछ भी, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, तो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। मैं तकरीबन 2.5 साल से सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर था। बस यही था कि एक टारगेट था कि देश के लिए कुछ ऐसा करें, तो उसके बाद देखो सारी चीजें अपने आप ही आ जानी थी। हाँ। तो एक टारगेट बना के चले थे। तो अब बात ओलंपिक्स की हो रही है तो मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ आपके साथ, बहुत सिंपल सा गेम है। मैं एक काम करता हूँ, आपके पास ये दो प्लाकार्ड जो है, एक आपको है और एक आपको है, सिर्फ सही गलत का गेम है। सही है तो आप ग्रीन बोर्ड लगाएंगी, गलत है तो घुमा देंगी। ठीक है, तो पहला सवाल है, ओलंपिक्स का जो लोगो है उसमें कितने रिंग्स हैं? 5। इसके रंग हैं रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन। सही या गलत? सही या गलत? गलती कर दे। गलत। गलत है। हाँ। अच्छा, ये गलत क्यों है बताइए? क्योंकि येलो है। येलो है। ऑरेंज। वेल डन पर्ल। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा इज द सेकेंड ट्रैक एथलीट To win a gold medal for India at the Olympics. ये सही है या गलत? गलत है। गलत है। हाँ। The correct answer is नीरज चोपड़ा is the first track athlete. पर दूसरे एथलीट हैं जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण जीता है, पहले थे अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक्स में कैप्टन रानी रामपाल थी, सही या गलत? सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर्ल, रवि, बहुत मजा आया आपसे बात कर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अ प्लेजर टू मीट यू पर्ल। अगले चैट जो है आपके साथ पेरिस 2024 के बाद। ठीक है, पोडियम फिनिश गोल्ड, वो तो उधर से तो गोल्ड आएगा ही, भरोसा है हमको। पर जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है रवि, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा पर्ल को ये यंग जीनियस की ट्रॉफी जरूर दें। और इसी के साथ पर्ल आपको मिला है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। रवि, पर्ल, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बायजूस यंग जीनियस। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। थैंक यू। थैंक यू।